चर्चा आज राज्यसभा चुनावों की सबसे ज्यादा है। नमस्कार, आपका स्वागत है सवाल इंडिया का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। राज्यसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की स्थिति में पहुंचे, इन तीनों राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जो है वो चल रही है। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। वोट देने के बाद कई विधायक उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के साथ नजर आए। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये विधायक हैं मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। वहीं जगदीश नारायण राय ने भी क्रॉस वोटिंग की है। कुल मिलाकर 395 वोट अब तक पड़े। एक एक करके सभी राज्यों का जरा समीकरण समझेंगे। सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि अखिलेश यादव ने एनडीटीवी में हमारे सहयोगी रणवीर से बातचीत करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि बगावत जो है वो करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। अखिलेश यादव अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। ये जो टूट हुई है, इसपे सर क्या कहेंगे? देखिए, ये टूट पहले से पता थी और इसलिए पता थी कि ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए। पहले दिन आए, फिर खाने पे नहीं आए, और जब खाने पे नहीं आए तो चर्चाएं जो थीं वो ये था कि कुछ पैकेज मिलने जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को कुछ और पैकेज मिलेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो अंतरात्मा के माध्यम से वोट दिए। हम तो आपसे कहेंगे कम से कम अंतरात्मा से ये तो बता दें पैकेज क्या था। अगले जी कितने लोग हैं अभी? कुछ नहीं गिनती है, जो दिखाई दिए हैं, जो सरकार के साथ बैठे दिख रहे हैं उतने ही दिख रहे हैं। एक दो और होगा, पार्टी से विदा हो जाएं, नमस्कार उनको। बहुत, तो आपने देखा अखिलेश यादव जिन्होंने साफ कहा कि जो भी बगावत किया है वो पार्टी से बाहर जाएगा। और एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ से अपना वोट किसी और को देने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जबरदस्त उलटफेर का दिन रहा। हमारे सहयोगियों ने कोशिश की एक के बाद एक विधायकों से बात करें। वहीं बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। संजय सेठ से बातचीत की हमारे सहयोगी तनिष पंजाबी ने। संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। हमारे साथ संजय सेठ जी जुड़े हुए। संजय जी, जो दामादामी चल रही है उसको लेकर क्या? SP की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो रही है उसको लेकर क्या? नहीं, ये तो देखिए, हमें कुछ नहीं मालूम कि किसके वोट किसको पड़े, ये तो शाम को 5 बजे के बाद पता चले। तो आप जीतेंगे? जीत के हम पूरी सुनिश्चित हैं। आप जीत में पूरी तरह से सुनिश्चित? हाँ। तो अब जिस तरीके से ये आ रही हैं खबरें कि एक के बाद एक क्रॉस वोटिंग हुई है, रणवीर हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जितना ये आशंका तो था, डर भी था, कोशिश भी हो रही थी लोगों को मनाने की, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, विप ने ही साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो पाएगी? अब तक क्या पता चल रहा है कितने क्रॉस वोट हुए हैं? देखिए, कार्रवाई क्या होगी इसको लेकर असमंजस है। असमंजस इस वजह से है कि अगर समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी से निकाल देती है तो वो स्वतंत्र होंगे, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, उनकी विधानसभा कैंसिल नहीं होगी, विधानसभा की सदस्यता। लेकिन अगर वो विधायक खुद से पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अब किस रणनीति के साथ इन विधायकों पर कार्रवाई करते हैं ये देखना बहुत खास इसलिए हो जाएगा क्योंकि दल बदल कानून तब लगता है जब विधायक खुद से इस्तीफा दे करके कहीं और जाए, लेकिन अगर उसको पार्टी निकालती है अपने से तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और वो स्वतंत्र रूप से कहीं और जाके किसी और पार्टी में शामिल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले से पार्टी के खिलाफ लाइन लेकर के बोलती रही और पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला नहीं,
बल्कि उनकी सदस्यता निलंबित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और करते करते डेढ़ साल तक अदिति कांग्रेस की विधायक रही, फिर बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब इस्तीफा दी और तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ऐसे में अखिलेश यादव कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, पर कैसे कार्रवाई होगी ये देखना बहुत खास होगा। अब अगर आज की चुनाव की बात करें, 4 बज चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 403 सीटें यूपी में हैं और 4 सीटें इस वक्त खाली हैं, यानी बचे 399। 399 में 3 विधायक जेल में हैं, तो वोट हुए 396। 396 में एक महाराजी प्रजापति वोट देने नहीं आई, यानी कि कुल वोट पड़े 395। अब इस 395 में बीजेपी के 252, इसके अलावा अपना दल सोनीलाल के 13 वोट, 9 वोट आरएलडी के, 6 निषाद पार्टी के, 6 में से 5 वोट सुभाषपा के पड़ने थे, लेकिन सुभाषपा का एक विधायक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर के वोट करके आया, यानी कि सुभाषपा के वोट पड़े 4, राजा भैया के 2 और बीएसपी का 1 वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के कुल विधायक हैं 108, जिसमें 2 जेल में हैं, तो संख्या हो गई 106, और कांग्रेस का 2 वोट मिला लें तो संख्या हो गई 108। इस 108 में 7 वोट माइनस करके और 1 वोट प्लस कर देंगे, क्योंकि सुभाषपा का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, तो सपा को कुल वोट मिले 102 और बीजेपी के कैंडिडेट्स को जो अलॉटमेंट हुआ था सोर्सेज के हवाले से, वो 38 वोट का अलॉटमेंट हुआ था। वोटों की संख्या जो कुल पड़े हुए वोट है उसके हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए चाहिए 36.2, और आराम से बीजेपी अपने 8 प्रत्याशी फिलहाल जीताते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके 8वां प्रत्याशी भी जीत रहा है। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये पूरी काउंटिंग हो जाएगी और तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसमें ये कि सपा के 7 वोट क्रॉस वोटिंग की और 1 सपा की विधायक जो है वो एब्सेंट रही है, और इसके साथ ही 1 वोट सुभाषपा का टूट करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। तो कुल ये गणित है और इस बीच में अखिलेश यादव पर नजर होगी, क्योंकि जो विधायक हैं वो इसी। रणबीर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं आपको जाने से पहले, तो क्या ये मान के चला जाए 8 के 8 बीजेपी के अगर सांसद चुने जाते हैं तो कौन सा समाजवादी पार्टी का सांसद है जिसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है? देखिए, तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नाम था आलोक रंजन का, और जो 2 प्रत्याशी जीत जाएंगे उसमें जया बच्चन है और रामजी लाल सुमन है, ये 2 प्रत्याशी जीतेंगे। तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन जो कि थर्ड पार्टी पे थे, उनकी सीट फंस चुकी है, वो लगभग हारने की कगार पर है, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा। और बीजेपी के जो 8 हैं वो 8 के 8 जीतते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी चुनौती के तौर पर राज्यसभा चुनाव देखा जा रहा था और एक बड़े संकेत के तौर पर भी इसको अब देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं, रणवीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बड़ी खबर सिर्फ राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है वो नहीं है, राज्यसभा चुनाव का क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सरकार बचेगी या नहीं, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 निर्दलीय जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब जरा गणित समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 35 के आसपास वोट चाहिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और इन 35 बीजेपी के पास 25 हैं, 25 में से अगर में 7 अगर ये 3 इंडिपेंडेंट जोड़ दे तो 28 हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी को करीब 7 और वोट चाहिए होंगे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग कराकर अपने लोगों को जिताने के लिए। कांग्रेस इसके पास 40 है। अब कांग्रेस के लिए दिक्कत यह होने वाली है कि अगर उनके पूरे विधायक भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है? यह एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा है, जो 5 बजे इसकी कम से कम तस्दीक जो है वो हो जाएगी। जरा देख लेते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या क्या रिएक्शन आए। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। ये भी कमाल की बात है। मोहम्मद गजाली मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, एक मुख्यमंत्री इतना भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं कि उनके 40 के 40 जो विधायक हैं या उनके बाद 39 जो विधायक बचते हैं वो सभी ने वोट डाला होगा, कह रहे हैं मेरा मानना ऐसा है, देखेंगे उसके बाद पता चलेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी तो अभी से दिखाई पड़ रही है।
हाँ, लग रहा है कि कल रात जो खाना खिलाया गया है, डिनर पार्टी की गई थी सारे विधायकों के लिए, वो उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अगर अगर मगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हम जिस चीज़ को सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि खबर आ रही है और सूत्र बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि करीब 6 विधायक और 3 निर्दलीय, ये 9 वोट जो हैं भाजपा को चले गए हैं। और गणित जो आप समझा रहे थे कि 35 वोट चाहिए जीतने के लिए, 25 भाजपा के पास हैं, 9 अगर आ गए हैं तो 34, फिर वो बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला मामला हो जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अपनी किस्मत यहाँ आजमा रहे थे ये सोचकर कि 40 विधायक हैं और आराम से 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल जाएंगे, वो मुश्किल लग रहा है। और साथ ही साथ चर्चाएं थी, वही सूत्र बता रहे थे कि सरकार अल्पमत में भी आ सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव भी कर सकती है भाजपा, लेकिन अभी उसकी जानकारी पुख्ता तौर पे आई नहीं है। भाजपा भी अभी, भाजपा के जो नेता वहाँ विधानसभा में आज वोट डालने आए थे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये चुनाव, पूरा जो राज्यसभा का चुनाव है, वो अब अंतरात्मा का चुनाव बनता दिख रहा है, जैसा हमेशा राज्यसभा के चुनाव अलग अलग प्रदेशों में दिखते हैं। लेकिन सही बात आपने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप स्किल, और ये एक प्रेस्टीज बैटल की बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल के हैं नहीं रहने वाले, और पहली प्रेफरेंस या चॉइस जो ज्यादातर विधायकों और मुख्यमंत्री की थी वो थे आनंद शर्मा जी। तो आनंद शर्मा जी को उम्मीदवार तो कांग्रेस ने बनाया नहीं, और उसका गुस्सा कह लें, मुख्यमंत्री से जो डिससेटिस्फैक्शन था विधायकों का उसका गुस्सा कह लें, और भाजपा ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है वो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके रिश्ते जो कांग्रेस के साथ थे, ये सारा जो है कह सकते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से भाजपा कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट थी। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि एक पार्टी खुलेआम कह रही है कि दूसरे MLAs दूसरे पार्टी के क्रॉस वोटिंग से ही हम उम्मीदवार बनाएंगे, और वही होता हुआ लग रहा है। लेकिन देखिए, शाम के 5 बजे जब गिनती शुरू होती है तो पता चलेगा कि किसके पाले में राज्यसभा की सीट गई है। अंतरात्मा बड़ी कमाल की चीज़ है राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, अंतरात्मा बड़ी कमाल की चीज़ है कुर्बान अली जी, एक कमाल की चीज़ है अंतरात्मा। जब चुनाव का सिंबल लेना होता है, टिकट लेना होता है, तब ये अंतरात्मा कुछ और कह रही होती है, और जब वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग होती है तो अंतरात्मा बिल्कुल अलग ही रंग ले लेती है आजकल राजनीति में। उत्तर प्रदेश में ये अंतरात्मा का मामला नहीं है, वहाँ BJP की तरफ से मंडी लगाई गई, क्योंकि पहले दिन 7 उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन किया, 3 समाजवादी पार्टी के, हिसाब यही बनता था कि 10 अनअपोज हो जाते, लेकिन आखिरी मिनट में संजय सेठ जो एक बड़े धन्ना सेठ हैं, पहले समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बाद में BJP में गए, और अब BJP उनको ने दोबारा से उनको उम्मीदवार बनाया है। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ अंतरात्मा नहीं है। वहां जो लोग गए हैं, चीफ VP भाग गया सपा का, तो ये साफ था कि वो क्या एल्योर किया गया है, किस तरह से किया गया, यही हाल कर्नाटक। कुर्बान अली जी, मैं एक सवाल, क्योंकि ना ये बात लगातार ऑपोजिशन भी कहती रहती है कि देखिए खरीद रहे हैं, ये दिख चुका, कई जगह सरकारें टूट चुकी, सब कुछ हो चुका। मैं सभी ये समझना चाहता हूँ कि बार बार ये बात होती है मंडी लग रही है, मंडी में बिकने के लिए कोई घूम रहा है ना, तभी तो कोई खरीदार वहां पर है। तो सवाल सीधा सीधा, जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसकी सरकार भी कुर्बान हो सकती है सर, BJP के ऊपर जनता क्या करेगी, ये जनता पे छोड़ देते हैं। क्या इनका मैनेजमेंट इतना भी नहीं है कि अपने लोगों को साथ रखें? इनके लोग ऐसे ही हैं, सब तैयार होने, बिकने के लिए तैयार घूम रहे हैं। हाँ, तो फिर पार्टी विद ए डिफरेंस की बात नहीं करनी चाहिए, लोक लाज की बात नहीं करनी चाहिए, कहना चाहिए कि हम तो सौदागर हैं, हम हर जगह सौदा करके सरकारें गिराएंगे, राज्यसभा की सदस्यता खरीदेंगे, फिर पार्टी विद ए डिफरेंस ना कहें, बस इतना है मेरा कहना। अगर मंडी लगा रहे हैं तो लगाइए, उसका हक है आपको, आप जरूर खरीद फरोख्त कीजिए, गोवा से लेके मणिपुर से लेके अरुणाचल तक हर तरफ मंडी लगाई गई, और उसके नतीजे जो आपने कहा कि लोग जब बिकने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, तो फिर राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बात करना छोड़ देना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। हर्षवर्धन जी, क्या इसका असर पड़ेगा कांग्रेस की? तो राज्यसभा तो छोड़िए, हिमाचल में तो सरकारी दांव पे लग गई है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये कोई नई चीज नहीं है, और इन राज्यसभा चुनावों को ही देखें, पीछे न जाएं, पीछे तो बहुत से जिसको कहें कि धतकर्म राजनेताओं ने किए हैं, और पूरी की पूरी सरकार ही पलट दी जाती थी, तो वो सारी चीजें न करें, अभी की बात करें। तो अभी की जो बात है, इसमें भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर भी क्रॉस वोटिंग का एक आ रहा है, क्योंकि जहां जिसकी सरकार है, जहां जो दबाव बना पा रहा है वो कर रहा है।
इसी जगह उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के एक विधायक के समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि जिनको आप कह रहे हो, और देखिए मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो, ये ऐसे विधायक नहीं है कि इनको आप कुछ विधायक कुछ रकम दे देंगे और कुछ खरीद लेंगे या दबाव बना देंगे, ये सब ऐसे लोग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुनियादी राजनीति खिसक रही है। जो मुलायम सिंह यादव, जिनके समय में ऐसा थोड़ी ना है कि तब ये सब चीजें नहीं होती थी, उनके सामने उनका विधायक टूट जाए, दूसरी तरफ चला जाए, ये लगभग असंभव था। जब आप पार्टी में जया बच्चन, अब कोई कहेगा कि पैसा दे के संजय सेठ खरीद लेंगे और जया बच्चन के पास उतना पैसा नहीं होंगे, तो बड़ा हंसी आएगी, मतलब मजाक ही जैसा लगेगा, लगेगा कि हम लोग पत्रकार की तरह बात ही नहीं कर रहे। और मंडी लगाने में अखिलेश यादव या कोई भी दूसरी पार्टी हो क्या करती रही। सवाल यहां ये कि मुख्यमंत्री हताश दिख रहा है, सुक्खू जी करे हमारे 40 विधायक हैं, बिकेंगे नहीं तो अपने विधायक को पहले बिका हुआ बता दिया। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऑल आउट मोड में है, वो कहीं भी कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। अमित शाह नरेंद्र मोदी के युग में आज अगर जरा सा भी गुंजाइश है, सोचिए 3 विधायक अतिरिक्त चाहिए थे समाजवादी पार्टी को, 9 विधायक अतिरिक्त चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से टूट कर गया, अब अगर कोई कहे कि उनको भी कुछ करोड़ों में खरीद लिया गया, बेच लिया गया, मंडी लग गई, तो बड़ा आश्चर्य होगा। और खुद समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्य सचेतक टूटते हैं, बुनियादी राजनीति गड़बड़ हो रही है। और अगर आप ये देखें तो ये लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुत खतरे का संकेत है अखिलेश जी के लिए। कुर्बान अली जी, ऐसा ठीक है, आपको पता है कि जो आपका अपोनेंट है वो हर तरह से साम दाम दंड भेद, अब उस पर हम सुचिता और इस पर जहां जाएं कि क्या है, वो सब चीजें तो शायद राजनीति में बहुत सालों से किताब की उससे बाहर निकाल के रख दी गई। लेकिन अगर आपको पता है कि जो आपका अपोनेंट है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, हर तरह के हथकंडे अपना के आपको नीचे कर सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस्टीज बैटल है, तो आपका मैनेजमेंट क्या है? बार बार लोग कह रहे हैं कांग्रेस को अगर पता था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी का क्यों नहीं सोनिया गांधी को वहां से उन्होंने राज्यसभा का टिकट दे दिया हिमाचल प्रदेश से? क्या थी किसी कांग्रेस के नेता की मजाल कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ वहां पर वोट करता? तो ये आपका इलेक्टोरल मैनेजमेंट भी तो दिखाता है कि आप किस तरीके से चुनाव में उतर रहे हैं। यकीनन आपने बहुत सफाई के साथ बात की और हर्षवर्धन जी ने भी उसको एक तरह से समर्थन कर दिया कि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब जायज है। तो फिर जब जायज है तो डेमोक्रेसी में इस तरह से काम नहीं हुआ करता। ये बनाना रिपब्लिक में तो चल जाता है या पाकिस्तान जैसे देश में हो जाता है, लेकिन भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हम पूरी दुनिया को सीख देते हैं कि हमने पिछले 75 वर्षों में अपने लोकतंत्र को न सिर्फ ये कि उस पौधे को परवान चढ़ाया बल्कि एक तनावर दरख्त के तौर पर मजबूत किया है, उसमें सत्ताधारी दल एक एक राज्यसभा सीट के लिए, आपने 2 साल पहले हरियाणा में भी यही किया, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हारा और भी कई राज्यों के वो हैं, तो आपने सीधा सीधा ही कह दिया कि भाई हम तो हर तरह से माइट इज राइट और पैसे से बाहुबल से जिस तरह से भी होगा हम जीतेंगे। तो फिर उसमें राजनीति मत कहिए, ये फिर एक दूसरे तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है राजनीति। तो क्या, तो नहीं कुर्बान अली जी, मुझे एक रिएक्शन हर्षवर्धन से लेने पर, तो अगर ये हो रहा है सर, इसकी नैतिकता पे ना जाते हुए जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कैसे नैतिकता पे आप नहीं जाएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो क्या अगर नैतिकता की बात नहीं करेंगे तो आप सर, नैतिकता की बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर दिन दहाड़े ये सब हो रहा है, तो अगर आपके घर से कोई चोरी करके ले जा रहा है तो आपकी क्या तैयारी है उस चोरी को रोकने की, उसका सवाल भी होगा या सिर्फ यही कहते रहेंगे चोर बहुत ताकतवर है सब कुछ चुरा कर ले गया? अगर ये जो आपका तर्क मैं मान लूं तो फिर तो दुनिया में चोरी रुक जानी चाहिए कि हर आदमी की यही जिम्मेदारी हो कि वो चोर को रोके, तो फिर तो सरकार की, पुलिस की, कानून व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए। डाका अगर कोई डाल रहा है तो उसे डालने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये तर्क मान लिया जाएगा अंकित, तो फिर राजनीति में कोई मर्यादा कोई शुचिता नहीं रहेगी। मैं यही तो कह रहा हूं, क्या ये मान लें कि कांग्रेस ने और अपोजिशन ने हथियार डाल दिए, बीजेपी जैसा कुछ करना चाहे करती रहे, हम हथियार डाल के खड़े रहेंगे? कांग्रेस तो हथियार 10 साल से डाले हुए है, कांग्रेस हथियार अगर नहीं, हर्षवर्धन जी अगर यही हालात बन गए हैं कि कुछ भी करो इलेक्शन जीतो, और चंडीगढ़ में भी हमने देखा, नंबर आपके पास हो या ना हो, अगर आपको ये बीमार करना हो तो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बीमार कर दो, उसके बाद उसको वापस ले आओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फिर वो चुनाव बचेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो भी हथकंडा अपनाया जा सके विपक्ष को बिल्कुल हथियार डालने के लिए मजबूर करने के लिए, उनका जो डिटर्मिनेशन है उसे तोड़ने के लिए, वो सब जायज है।
नहीं, राजनीति ऐसे ही होती है अंकित, बड़ी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं या हमारी समझ कमजोर हो जाती है। पूरी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को लील गई थी कांग्रेस, AIMIM के विधायकों को खा गए थे तेजस्वी यादव, और हम बड़े अचानक अचानक शर्मसार होने लगते हैं। नैतिकता, शुचिता, थोड़ी तो जनता पे रहम कीजिए। हम पत्रकार लोग ऐसे बात करने लगते हैं ना, मुझे लगता है दो अलग मसले हैं। चंडीगढ़ का सवाल इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। चंडीगढ़ का सवाल निश्चित तौर पर एक काले धब्बे की तरह था, और आज जो हुआ है वो भी वहां काले धब्बे की तरह है। आज शायद जो मेयर साहब है वो बीमार हो गए। तो राजनीति दोनों तरफ से ऐसी हो रही। जब राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, विधायक के तौर पर उनका अधिकार है, और इन चुनावों में अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, उस तरह से व्हिप लागू नहीं होता है। जिसमें लागू होता है उसमें हम देखते हैं क्या विधायक अपनी सदस्यता गंवाकर भी दूसरी तरफ जाता है, तो जाते हुए दिखते हैं। पहले भी पार्टियां टूटती रही। निश्चित तौर पर जब किसी को लगेगा कि उसकी राजनीति जहां बेहतर है, और अगर हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको डरा दे रही है, दबा दे रही है, तो दूसरे लोगों को राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप राजनीति में हैं और आप करें कि ना ना हमारा विधायक चला जा रहा है, हमारा मुख्य सचेतक चला जा रहा है, और नहीं ये तो सब डरा दबा के ले लिया। और फिर से मैं कह रहा हूं, नैतिकता शुचिता निश्चित तौर पर मायने रखती है, लेकिन लोकतंत्र में नैतिकता शुचिता ये कह दिया जाए कि सिर्फ उसी की वजह से सब चलेगा, ये संभव नहीं है। और मैंने इसीलिए दो उदाहरण बताए, वो भूल कर आपने उदाहरण दो बताए, लेकिन जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ के चुनाव कुछ जुड़ा ना जाए। सर, चुनाव तो चुनाव होता है और उसमें दिखाई पड़ता है कि कौन किस तरीके के हटकंदे अपना सकता है। अगर वो काला धब्बा था, तो काला धब्बा जनता को ये सोचना होगा, जनता को अब ये सोचना होगा सीधे सीधे कि वो जिन लोगों को जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के नाम पर चुन के भेजते हैं, अगर वो दल बदल कर रहे हैं, अगर वो कहीं और जा रहे हैं, तो जनता को ये बात सोचनी होगी। क्योंकि कुल मिलाकर चाहे हम कुछ भी बातें करते रहें पॉलिटिकल मोरालिटी, नैतिकता, शुचिता की, कुल मिलाकर जनता के दरबार में ही ये तय होता है कि आपको अपना जो विधायक था जिसको आपने किसी और सिंबल पे चुन के भेजा, अगर वो कहीं और जाता है तो उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो जनता का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य होना ही चाहिए। इस पर इतनी बहस की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के बाद आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हिमाचल और माफ कीजिएगा हरियाणा की लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली में चार उम्मीदवार, सोमनाथ भारती को चुनाव लड़ाने का फैसला नई दिल्ली से किया है। दक्षिण दिल्ली से साहिराम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। सुशील गुप्ता राज्यसभा एमपी थे, जिन्हें इस बार आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार इस बार बनाया है। दिल्ली से, नई दिल्ली विधानसभा से श्री सोमनाथ भारती जी कैंडिडेट होंगे। साउथ दिल्ली लोकसभा से श्री सही राम जी कैंडिडेट होंगे। वेस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री महाबल मिश्रा जी कैंडिडेट होंगे, और ईस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री कुलदीप जी कैंडिडेट होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से श्री सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आम आदमी पार्टी फिर से एक बार मैदान में अपने, कम से कम अपने नामों के चुनाव, जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का तो उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कर लिया है। सोमनाथ भारती पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था तब भी जीते थे, उसके बाद से लगातार विधायक बनते आए हैं। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी को इस बार अलग उम्मीद है कि दिल्ली 2019 से 2024 के बीच में अलग फैसला देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2014 और 2019 के चुनाव लड़े, लेकिन उसमें कहीं भी गठबंधन नहीं था। और आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा में सीट जीतती रही, लेकिन कभी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, और उसी वजह से साथ में से केवल चार सीट पर ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। और अगर एक उम्मीदवार को छोड़ दें तो तीन जो हैं वो मौजूदा विधायक ही हैं जिनपे
दाव लगाया है। सोमनाथ भारती की तो आपने बात बताई, काफी पॉपुलर माने जाते हैं वो अपने इलाके में, और लोग बताते हैं कि कैसे उनकी एक शिकायत पर वो उनके घर पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी चर्चा जो हो रही है अंकित, वो हो रही है ईस्ट दिल्ली में कुलदीप कुमार मोनू को जो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है। खुद आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन चर्चा होना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि कुलदीप कुमार ऐसी समाज से आते हैं, जबकि जो ईस्ट दिल्ली की सीट है ये जनरल सीट है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो ऐसी समाज के किसी व्यक्ति को उसी सीट पर टिकट देती हैं जो उनके लिए रिजर्व है, जनरल सीट पर उनको नहीं उतारा जाता। तो एक जनरल सीट पर आम आदमी पार्टी ने ऐसी समाज के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जो 2017 में पहली बार ये पार्षद बने थे, 2020 में पहली बार विधायक बने, और अब 2024 में आम आदमी पार्टी इन पर दाव लगा रही है। ये सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो पूर्वी दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन एक दाव बड़ा खेला है आम आदमी पार्टी ने। ये दिखाने की कोशिश है कि एक जनरल सीट पर भी वो एक ऐसी समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं। तो इसके साथ ही अब ये तय हो गया है कि दिल्ली के लिए अब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए आम आदमी पार्टी ने। अब केवल पंजाब बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी को अपने उम्मीदवार घोषित करने, हरियाणा का भी उम्मीदवार जो है वो घोषित हो गए हैं। दो पूर्व सांसद आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिए, माबल मिश्रा जो कांग्रेस के टिकट पर सांसद थे लेकिन अब काफी समय से आम आदमी पार्टी में है, उनको वेस्ट दिल्ली से, और सुशील गुप्ता जो राज्यसभा सांसद थे इस बार नहीं बनाया उनको, उनको ये कहा गया था कि आपको अब खुद अपने लिए अर्जित करके आना होगा, तो यही अर्जित करना है कि पब्लिक से आप जीत के आ जाइए तो आप पहुंच सकते हैं। तो ये दाव खेला है, बस अब पंजाब को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने सारे ही, क्योंकि कैंडिडेट पहले से ही अनाउंस तय थे, इसी आधार पर सीट शेयरिंग भी हुई थी, तो इसलिए बहुत से लोगों को लग रहा है कि इतनी जल्दी कैसे अनाउंस हो सकते हैं, तो कारण यही है कि तय तो पहले ही था, आज बस घोषणा हुई है, अब बस पंजाब के कैंडिडेट बचे हैं आम आदमी पार्टी के घोषित करने के लिए। चलिए इस बार देखते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कितना फायदा आम आदमी पार्टी उठा सकती है, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी जल्दी से जल्दी अपने कैंडिडेट्स को उतना समय जरूर देना चाहती है कि वो आराम से अपनी कैंपेन और स्ट्रैटेजी को तैयार कर पाए, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा के अपने उम्मीदवारों के नाम आज अनाउंस कर दिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, शरद बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी। योग गुरु रामदेव का पतंजलि समूह जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बीमारियों की दवा के तौर पर बने उत्पादनों के विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है कि क्या कार्रवाई की गई। पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापन पर जवाब मांगा है और पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर जारी किया गया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि प्रिंट या अन्य मीडिया में किसी भी रूप में किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरला और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के जो गगनयान अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग भी दिया। जिन 4 लोगों का गगनयान से अंतरिक्ष जाने के लिए चयन हुआ है उनमें उनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा होगा, काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा होगा। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला एनटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।